वेलकम टू माई चैनल। तो आज हम बनाएंगे ईद स्पेशल चिकन बिरयानी। तो ये वीडियो मैं बना रही हूँ ऑन डिमांड। बहुत लोगों ने मुझे कमेंट करके बोला कि चिकन बिरयानी की रेसिपी बताओ जो ईद में बनता है। तो मैं ये वीडियो आज कैसे चिकन बिरयानी बनाते हैं वो दिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो को एंड तक देखिए। ये है हमारे चिकन पीसेस। इसको बीच से थोड़ा नाइफ से बीच से थोड़ा काट देना है। ये हम ग्राइंड करेंगे। पहले अनियन डालेंगे, फिर जिंजर, नमक थोड़ा सा ऐड करेंगे, फिर नींबू का रस, लेमन जूस और कर्ड यानी दही ऐड करेंगे और इसे ग्राइंड करेंगे और थोड़ा सा रेड चिल्ली पाउडर ऐड करेंगे और चिकन मसाला भी ऐड करेंगे। एक टिफ़िन लेंगे, उसमें नमक ऐड करेंगे 1 स्पून, 1 स्पून टर्मरिक यानी हल्दी, 1 स्पून रेड चिल्ली पाउडर और मिक्स करेंगे। तो मिक्स करने के बाद हम चिकन लेग पीसेस और चिकन को इस मसाले में मिक्स कर देंगे। तो अच्छे से लगाइए हाथों से। तो ये हमने अच्छे से लगा लिया। तो लगाने के बाद हम अभी जो हमारा ग्राइंड करा हुआ पेस्ट था वो इधर पे ऐड करेंगे। इसे भी अच्छे से हाथों से लगा लेंगे और थोड़े टाइम के लिए हम 10 से 15 मिनट तक ढक के रख देंगे। तो इसे 15 मिनट तक हम रख देंगे कवर करके। अभी हम पैन में 1 स्पून बटर डालेंगे। बटर डालने के बाद ही बहुत धुआं निकलेगा, हम गर्म पैन में बटर डालेंगे। तो स्पून की मदद से हम इसे मिक्स करेंगे बटर को ताकि वो मेल्ट हो जाए। मेल्ट होने के बाद वो ब्राउन कलर हो जाएगा, फिर हम चिकन के लेग पीसेस जो हमने मैरिनेट करके रखा था वो हम इधर डाल देंगे एक एक करके। थोड़े टाइम बाद हम चिकन पीसेस को उल्टा देंगे ताकि चारों तरफ से वो पक जाए। कुछ समय बाद हमारा जो चिकन है वो गोल्डन ब्राउन कलर का दिखेगा तब। और इसे चेक कर लेना फॉक से कि वो अच्छे से पक गया कि नहीं। पक जाने के बाद हम इसे निकाल लेंगे एक्स्ट्रा करके। तो ये हमारा जूसी चिकन जो बहुत जूसी दिख रहा है, तो ये अच्छे से पक गया है, इसे रख देंगे साइड में। कढ़ाई में ऑयल डालेंगे, मैंने इधर पे यूज़ किया मस्टर्ड ऑयल। तो ऑयल डालने के बाद हम स्लाइसेस ऑनियन को स्लाइस करके इधर डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे हम ब्राउन होने के लिए रख देंगे और कुछ ग्रीन चिलीज भी ऐड करेंगे। ब्लैक चिलीज भी ऐड कर सकते हो आप, रेड चिलीज भी ऐड कर सकते हो। तो इसे मिक्स करते हैं अच्छे से।
तो हमारा जो ऑनियन है वो ब्राउन होके क्रिस्पी फॉर्म ले लिया, तो थोड़ा सा ऑनियन्स हम निकाल के एक बाउल में रख देंगे। ये हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। बचे हुए ऑनियन्स में हम जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है वो ऐड कर देंगे और मिक्स करेंगे। हमारा जो फ्राइड चिकन हमने किया था पहले वो हम इधर डाल देंगे। मिक्स करेंगे अच्छे से अनियन के साथ। फिर एक कप पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद इसे थोड़े पकने के लिए रख देंगे। ऐड करेंगे चिकन मसाला, रेड चिली पाउडर, चिकन ग्रेवी जो है वो हो गया। अभी हम राइस ऐड करेंगे, ये है बासमती राइस। तो हम राइस को पहले ही बॉईल करके रखेंगे, अभी हम बस चिकन ग्रेवी में राइस को डाल देंगे। अपने हिसाब से चावल को डालिए और डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर दीजिए। तो ऐसे आपको मिक्स करना है अच्छे से ताकि हमारा जो बिरयानी का कलर वो दिख सके। तो हमारा बिरयानी का जो कलर है वो कितना सुंदर दिख रहा है। इसे अब हम क्या करेंगे, थोड़ा गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। थोड़ा सा किशमिश यानी रेजिन्स ऐड कर देंगे ऊपर में और पानी डाल देंगे एक कप, और को थोड़ा नमक डालेंगे। नमक आपके स्वाद अनुसार आप डालिए। अभी सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स कीजिए। अभी हम बिरयानी को ढक देंगे कुछ समय के लिए। तो ये देखिए हमारा बिरयानी कितना अच्छा लग रहा है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी और यम्मी लग रहा है। इसके बाद हम क्या करेंगे, लास्ट में थोड़ा बटर डाल देंगे ऊपर में और उसमें राइस में मेल्ट कर देंगे ताकि टेस्ट और ज़्यादा अच्छा लगे और थोड़ा बटर का खुशबू भी आए। अगर घर में बटर ना हो तो घी भी डाल सकते हैं आप 1 स्पून। तो इसे अच्छे से मिक्स करें। ये जो बिरयानी की रेसिपी है ये मेरी मम्मी बना रही है, जो बहुत टेस्टी बिरयानी बनाती है। तो अभी मैं इसे खाने के लिए, मेरा मुंह में पानी आ रहा है। ऊपर में काजू यानी कि कैश्यू नट्स डाल देंगे ऊपर में थोड़ा गार्निशिंग के लिए। ड्राइड ऑनियन जो हमने एक्स्ट्रा करके रखा था वो भी डाल देंगे ऊपर में।
तो मैं बिरयानी ट्राई करने वाली हूँ। पहले मैंने उठाया लेग पीस, तो चलिए बिरयानी को ट्राई करते हैं। रायता, रायता की जो रेसिपी है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, तो मैं रायता को थोड़ा बिरयानी के ऊपर डाल दूँगी। रायता के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, तो राइस काफ़ी अच्छे से पक गया है, तो अभी मैं ट्राई कर रही हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी हुआ है, इट्स रियली अमेजिंग। मैं और एक बाइट लेने वाली हूँ, तो देखिए आप, ये पोटैटो है और बॉयल एग और ये है चिकन लेग पीस, काफ़ी अच्छे से पक गया है। ऑल थैंक्स टू माई मदर जो मुझे बहुत अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाती है, न्यू न्यू रेसिपीज। अगर आपको भी नया रेसिपीज सीखना है तो उनका एक चैनल है, यूट्यूब चैनल माइस किचन ट्रेजर, उसे ज़रूर फॉलो कीजिए। उनका चैनल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और कमेंट कीजिए मैं क्या नया रेसिपी बनाऊँ। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियोस और देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और जो नीचे जो बेल आइकन है उसे ज़रूर हिट कीजिए।